हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर इस वीडियो में हम फिजिकल ऑप्टिक्स यूनिट 13 सिंथ बोर्ड न्यू बुक उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6900 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट टू पैरेलल स्लिट्स ऑन ए स्क्रीन दैट इज 3.30 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व। The distance between the adjacent bright fringes in the center of the pattern is 1.80 centimeter. What is the distance between the slit? तो बेसिकली देखें, सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट आपने यूज की थी जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है और क्या लिखा हुआ है कि टू पैरेलल स्लिट्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है जिसके अंदर आपके पास क्या था कि आपके पास इस तरीके से दो स्लिट्स थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर दो आपके पास स्लिट्स थी और यहाँ पे आपके पास कुछ डिस्टेंस पे क्या थी, स्क्रीन थी। तो यहाँ से स्क्रीन और स्लिट के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलते थे, एल कहते थे। तो यहाँ पे देखो सवाल में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको वेवलेंथ गिवन है और दो स्लिट्स जो है यहाँ पर वो कितनी दूर है, वो है 3.30 मीटर अवे है कहाँ से, स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन और स्लिट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 3.30 मीटर, ठीक है। कितने इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से मिली है और द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता था कि ये आपके पास सेंटर होता था, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करते थे तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कह रहे हैं कि दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपको गिवन है और वो कितना है, 1.80 सेंटीमीटर है। तो जब भी आपको दो दो फ्रिंजेस हैं लाइक ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है उनके दरमियान का अगर आपको जो डिस्टेंस गिवन होता है वो बेसिकली क्या कहता है, फ्रिंज स्पेसिंग डेल वाई कहलाता है। तो आपको ये गिवन है, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन है स्लिट्स का वो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको ये जो डिस्टेंस है जिसको हम डी कह रहे हैं ये आपने फाइंड करना है। तो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, यहाँ पर डेटा बनाते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको गिवन है लेमडा जो कि क्या है, वेवलेंथ, राइट, जो कि है 6900 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है आपके पास, ये प्रेफिक्स है, जिसको जरा इस तरीके से लिखते हैं 6900 10^-10, ठीक है। तो जो एंगस्ट्रॉम होता है वो 10^-10 के इक्वल होता है और जिसका यूनिट होगा वो मीटर हो जाएगा, राइट। फिर कहते हैं कि स्क्रीन और स्लेट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल, वो है 3.30 मीटर, राइट। इसके अलावा आपको कह रहे हैं कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है डेल वाई वो आपको गिवन है, दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस जो कि कितना होता है, 1.80 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हमें जैसे कि पता है हम क्या कहते हैं, 1.80 एज इट इज लिखेंगे और मीटर सेंटीमीटर से मीटर में जाने 10^-2 लिख देंगे। ये कैसा है, ये सब चीज़ें हम शुरू से कन्वर्जन करते आ रहे हैं सेंटीमीटर से मीटर में या मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए। तो जब भी आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो 10^-2 करके इस तरीके से लिखना है और यहाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगा और मीटर पर जाएगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने डी फाइंड करना है, ठीक है। अब डी क्या है, बेसिकली वो जो स्लिट्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। तो ये आपको डी फाइंड करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली कर लोगे। तो हमें याद है जो हमने फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें डी चाहिए, तो अपनी इक्वेशन को डी सेट कर इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, लैम्डा एल ओवर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डेल वाई आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 1 के अंदर अगर आप तमाम वैल्यूज को प्लग इन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डी की जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी। तो वैल्यू प्लग इन कर लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6900 10^-10, और एल की जो वैल्यू होती है 3.30 मीटर है, और इसके अलावा जो डेल वाई जो कि फ्रिंज स्पेसिंग है वो है 1.8 10^-2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर में वैल्यू को प्लग इन करो, इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा 1.265 10^-4 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली जो दो जो स्लिट्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, ये आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है ये बहुत ईजी है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर देखो क्या कहते हैं, कहते हैं अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एडजस्टेड सो दैट द ब्राइट फ्रिंजेस इज अपीयर ऑन द स्क्रीन एज वन ऑफ द मिरर्स इज मूव 25.8 माइक्रोमीटर 90 ब्राइट फ्रिंजेस आर काउंटेड ऑन
स्क्रीन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द इंटरफेरोमीटर। तो देखो बेसिकली सवाल कहता है कि शुरू में कह दिया माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का ये सवाल है। तो वहाँ पे हमने एक ही जो फॉर्मूला है वो पढ़ा था, वो आपको याद रखना है, जो कि क्या था, वाई इज इक्वल टू लैमडा एम लैमडा ओवर टू है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये चीज़ आपने ये फॉर्मूला याद रखना है किसके लिए, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए, राइट। तो देखो कहते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर को आपने इस तरीके से एडजस्ट किया है कि आपको ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो स्क्रीन पे अपेयर होती हुई नजर आई है। कहते हैं कि आपने एक मिरर को इस तरीके से मूव किया जो कि कितना था 25.88 माइक्रोमीटर आपने मूव किया, तो इतना जब डिस्टेंस आपने उस मिरर को मूव किया तो आपको 92 ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो आपने काउंट किए हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने जो वेवलेंथ यूज की है वो क्या है, वो आपने फाइंड करनी है। तो सवाल में आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो अगर आपको याद है माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर, तो हमारे पास मिरर्स होते थे, एक होता था एडजस्टेबल मिरर और एक होता था मूवेबल मिरर। ठीक है, सॉरी, एक होता था मूवेबल और दूसरा होता था फिक्स्ड मिरर। ठीक है, एडजस्टेबल और मूवेबल एक ही बात है। तो हमने एक मिरर जो है उसको इस तरीके से मूव किया है और यहाँ पे कितना डिस्टेंस मूव किया है, वाई डिस्टेंस मूव किया, वो कितना है 25.8 माइक्रोमीटर जो आपको गिवन है। तो इसको सिर्फ इतना डिस्टेंस आपने मूव किया तो आपको 92 ब्राइट फ्रिंजेस आप काउंट करिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ईजी तो है ये न्यूमेरिकल भी, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे डेटा बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है। तो आप गिवन है कि यहाँ पर आपने वाई आपको गिवन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना है 25.8 माइक्रोमीटर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 25.8 10 टू दी पावर -6। अगर आपको याद हो माइक्रो माइक्रो जो है उसकी वो क्या होता है 10 टू दी पावर -6 होता है, राइट। इसके अलावा एम आपको गिवन है यहाँ पर, जो कि कितनी आपने कितनी ब्राइट फ्रिंजेस काउंट किए हैं, 92। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको जो है वो वेवलेंथ फाइंड करना है, एम आपको यहाँ पर गिवन है, वाई आपको गिवन है। अब आप क्या करोगे, जस्ट फॉर्मूले के अंदर प्लग इन करोगे और आप यहाँ पर इस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर लोगे। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, वाई इक्वल्स टू एम लैम्डा ओवर टू। ठीक है, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो उस मिरर का अपना डिस्प्लेस क्या है। ठीक है, जो मूवेबल मिरर है, तो हमें लैम्डा चाहिए, तो पहले तो अपनी इक्वेशन को लैम्डा में सेट करते हैं, टू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू वाई हो जाएगा और इधर एम आ जाएगा, राइट। तो वैल्यू प्लग इन करोगे आप, टू वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 25.8 10 टू दी पावर -6 है। ठीक है, एम की वैल्यू आप यहाँ पे प्लग इन करोगे जो कि क्या है 92 है। तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज प्लग इन करेंगे, आपके पास आंसर आएगा, वो होगा 560 10 टू दी पावर, बेसिकली क्या होगा 560.89 होगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से लिख रही हूँ, 10 टू दी पावर -9 मीटर। तो हमें पता है इसकी जगह प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 560 नैनोमीटर। तो यहाँ पर आपने जो वेवलेंथ यूज की है वो कितनी है, 560 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज की थी। तो बहुत ईजी से ये भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर टू। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर थ्री। अब जो न्यूमेरिकल नंबर थ्री है वो बेसिकली क्या है, वो एक जो है वो रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो हमने इसको सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल नंबर थ्री है ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है। तो उसमें क्या कहते हैं, सेक्शन 13.4 वी स्टडीड इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, व्हाई मस्ट द फिल्म्स बी थिन एंड व्हाई डोंट वी सी द इंटरफेरेंस इफेक्ट व्हेन लुकिंग थ्रू अ विंडो और एट अ पोस्टर कवर्ड बाय अ प्लेट ऑफ ग्लास इवन इफ द ग्लास इज ऑप्टिकली फ्लैट। तो बेसिकली देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि पहले इन्होंने कोट किया है कि का जो सेक्शन है 13.4 जहाँ पर आपने इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म आपने पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि जो थिन जो फिल्म थी वो थिन थी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि थिन फिल्म जो है वो थिन क्यों होना चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं कि दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है सेम इंटरफेरेंस से ही रिलेटेड है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। फिर कहते हैं कि आपने इंटरफेरेंस इफेक्ट आप क्यों नहीं देख पा रहे होते जब किसी विंडो से देख रहे होते हो या कोई कोई पोस्टर है जिसके ऊपर कोई ग्लास प्लेट चढ़ी हुई है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को क्यों नहीं मिलता, हालांकि वो जो ग्लास होते हैं वो ऑब्जेक्टली फ्लैट होते हैं। देखो दो तरह दो सवाल किए गए हैं, पहले तो पूछा गया है फिल्म जो है वो थिन की होती है, अगर आपको याद हो तो इंटर जो यहाँ पे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म है उसमें आपके पास तरीके से फिल्म बनती है। ठीक है, तो उसमें आप यहाँ करते क्या करते हैं, लाइट को इस तरीके से लाइट इंसिडेंट होती है, फिर लाइट इस फिल्म से गुजरती है, फिर इस तरीके से वो यहाँ से इस तरीके से बाहर निकलती है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिल्म है बेसिकली इसकी जो थिकनेस होती है बहुत 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 स्मॉल होती है। ठीक है, बहुत स्मॉल थिकनेस होती है, तो
थिकनेस स्मॉल होने की वजह से ही आपको इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म देखने को मिल रहा होता है। तो इसका क्या रीजन है? इंटरफेरेंस थिन फिल्म रिलाइज ऑन सिग्निफिकेंट पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली इंटरफेरेंस होता है में जो बेसिकली जो इंटरफेरेंस है वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा होता है? पाथ लेंथ डिफरेंसेस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द फिल्म इज फिल्म थिकनेस इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो बेसिकली देखो, जब थिन ये जो थिकनेस है बेसिकली फिल्म की, अगर ये कंपेरेबल होगी वेवलेंथ के, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, जो भी आप यहाँ पे वेवलेंथ यूज कर रहे हो उस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है, तो अगर उसके कंपेरेबल होगी तभी जाकर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से थिन को जो है वो फिल्म को थिन रखा जाता है ताकि आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिले। ठीक है, अगर हम रोजमर्रा के जो ग्लास होते हैं जो कि विंडो के ऊपर होते हैं, या कोई पोस्टर जो है जिसके ऊपर ग्लास लगा हुआ होता है, तो अगर हम इस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे ग्लासेस हैं, ग्लास इन द विंडोज और ओवर द पोस्टर इज मच थिकर मेकिंग द इंटरफेरेंस इफेक्ट इफेक्ट नेगलिजिबल। तो बेसिकली इस तरह के जो ग्लास होते हैं वहाँ वो ऑप्टिकली तो फ्लैट होते हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा होता है। एंड थिकर ग्लास लीड्स टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन डिमिनिशिंग द ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न एंड रिजल्टिंग इन द मिनिमल विजुअल इफेक्ट्स। तो बेसिकली देखें, जो विंडो पे जो ग्लास होता है, विंडो का जो ग्लास होता है, या पोस्टर के ऊपर जो जो ग्लास लगा होता है, प्लेट ऑफ ग्लास लगी होती है, वो ऑप्टिकली फ्लैट होते हैं बट वो फिर भी कंपेरेबल काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो इफेक्ट होता है बेसिकली ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न का, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत 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 रिजल्ट, जो अगर जो उसका रिजल्ट देखा बहुत ही कम मिनिमल जो है वो विजुअल इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है, मतलब वो ना होने के बराबर इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, तो इसी वजह से हम उसको देख भी नहीं पा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। और इसी वजह और थिन जो फिल्म है वो थिन क्यों होती है, उसका भी रीज़न हमने देखा कि वो लैम्डा के कंपेरेबल होनी चाहिए जो भी आप लाइट यूज़ कर रहे हो, ताकि आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो देखने को मिल सके। राइट, तो होपफुली आपको न्यूमेरिकल 3 भी समझ आएगा, जो कि एक रीजनिंग क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो कि न्यूटन रिंग्स का क्वेश्चन है। न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म बाय द लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। डिटरमाइन द चेंज इन एयर फिल्म थिकनेस बिटवीन द थर्ड एंड द सिक्स्थ ड्राई फिन इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व सर्फेस इज 5.0 मीटर, वट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड राइट फिन। तो बेसिकली देखो, सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि न्यूटन रिंग जो है वो फॉर्म हो रहे हैं जहाँ पर आपकी लाइट 100 नैनोमीटर की वेवलेंथ आपने यूज करी है। तो यहाँ पर डेटा भी बना लेते हैं हाथ के हाथ, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। आपको लैम्डा गिवन है यहाँ पर, जो कि कितना है 400 नैनोमीटर है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 410 to the power -9 मीटर। कहते हैं डिटरमाइन द चेंज इन एयर फिल्म थिकनेस, एयर फिल्म थिकनेस जो भी चेंज आ रहा है ये आपने फाइंड कर, कौन सी थर्ड इन द ब्राइट जो फ्रिंज मिली है, थर्ड एंड सिक्स ब्राइट फ्रिंज इसमें, तो एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 3 और 6 है, ठीक है। आर आपको गिवन, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसका कर्व सरफेस जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस आपने यूज किया उसकी आपको यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन है, जो कि 5.0 मीटर है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो क्या है चेंज, और दूसरा आपके पास क्या है जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, आपने उसका रेडियस जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, चीजें फाइंड करनी है एल टी की वैल्यू है, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है, और एक है आर थ्री की वैल्यू, ये आपने फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। अगर आपको याद हो कि हम क्या करते थे, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ग्लास शीट प्लेस करते थे, तो इस तरह से प्लेस करने से यहाँ पर होता क्या था, एयर फिल्म जो है वो एक जो फिल्म है वो बन जाती, लेकिन उसकी जो थिकनेस है दोनों तरफ से वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो इस तरीके से वो चेंज हो रही है। तो उसकी वजह से होता ये था कि आपको न्यूटन रिंग्स जो है वो देखने को मिलते थे। लेट्स सपोज कि यहाँ से जो लाइट गुजर के गई है उससे आपको थर्ड ब्राइट रिंग मिला है, और यहाँ से जो लाइट गुजर के गई है उससे आपको राइट रिंग मिला है। ये दोनों तरफ से होगा, जो आप यहाँ के लिए करोगे वही आपका यहाँ के लिए, मतलब दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो फिल्म की जो चेंज आ रहा है वो क्या है, वो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेट सपोज डी थ्री है, यहाँ पे लेट जो है वो D6 है, ये जो चेंज है वो क्या है, डेल्टी है, ये आपने फाइंड करना है। इसके अलावा जो रिंग बनेंगे, जो रेडियस होगा थर्ड रिंग का, ब्राइट रिंग का, वो आपने फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ आपने फाइंड करनी है, आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये वो ब्राइट रिंग
उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर रेडियंस आपको फाइंड करना है ब्राइट रिंग का, वो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो। तो फर्स्ट ब्राइट रिंग होगा तो एन की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ब्राइट रिंग हो तो एन की वैल्यू 2 होगी, थर्ड ब्राइट रिंग होगा तो उसके लिए एन की जो वैल्यू होगी वो हम 3 रखेंगे, एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो पहले हम थिकनेस के लिए जो है वो काउंट कर लेते हैं। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, हम T3 फाइंड करते हैं, ठीक है। T3 क्या है, बेसिकली T3 है आपके पास एयर फिल्म थिकनेस एट m इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 3 का जो भी एयर फिल्म थिकनेस है वो, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, 2 t m इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, राइट। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब m की वैल्यू जब 3 आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, 2 t 3 इज इक्वल टू m की जगह आप क्या प्लग इन करोगे, 3 प्लग इन करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस हाफ लैम्डा। सिंपलीफाई करो इसको तो ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा है, ये 2 इधर आके इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। ये जब 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो T3 आपके पास आ जाएगा 7/4 लैम्डा। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अभी मैं लैम्डा की वैल्यू प्लग इन नहीं करी, ठीक है। इसी तरीके से हम T6 फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एयर फिल्म थिकनेस एट m इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 6 के ऊपर क्या है वो आप फाइंड करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही सेम फॉर्मूला यूज करोगे, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की जगह 6 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट से कर देती हूँ, 2 t 6 इज इक्वल टू 6 प्लस हाफ लैम्डा। सिंपलीफाई करोगे इसको, एलसीएम लोगे पहले तो आप, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लैम्डा 2 t 6, ये क्या आ जाएगा, 13/2 तरह की मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, T6 इक्वल टू 13/4 लैम्डा। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना था, आपको जो गोल था वो ये कि आपको चेंज इन एयर फिल्म थिकनेस फाइंड करना था। तो बेसिकली आपने क्या चाहिए, चेंज चाहिए, इसमें चेंज इन एयर फिल्म थिकनेस, ठीक है। तो उसमें क्या चेंज आया है, वो है डेल टी का, क्या आ जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू T6 - T3, ठीक है। तो T6 की वैल्यू क्या है, 13/4 लैम्डा माइनस 7/4 लैम्डा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 6/4 लैम्डा, ये आपके पास क्या है, डेल्टी है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो डेल्टी आपके पास कितना आ जाएगा, डेल्टी इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 लैम्डा, लैम्डा की जगह पे क्या करोगे आप, 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इससे बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 × 6 610 to the power -9 meter। तो इसको मैं प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई है, थिकनेस आ गई है, कि जो एयर फिल्म थिकनेस के अंदर जो बेसिकली चेंज आ रहा था उन दो लाइक सिक्स और सिक्स एंड थर्ड ब्राइट रिंग के दरमियान वो इतना आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ थर्ड ब्राइट रिंग, ठीक है, थर्ड ब्राइट रिंग के लिए हम रेडियस फाइंड करेंगे, जो कि हो जाएगा R3 इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस हाफ लैम्डा। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पे मुझे जर्नली करना चाहिए पहले, तो एन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एन की जगह हम 3 रखेंगे क्योंकि हमें थर्ड ब्राइट रिंग है उसका रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1/2 लैम्डा, लैम्डा की जगह पे आप क्या रखोगे, 410 to the power -9, आर की जगह रखोगे 5, ठीक है। इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो R3 की वैल्यू आएगी 2.64 × 10⁻³ m, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ वहां पर, और R3 इज इक्वल टू 2.64 माइक्रोमीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, आपने रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, किसका, थर्ड राइट रिंग का, वो आपने फाइंड कर लिया। तो इस सवाल में आपको दो चीज़ें फाइंड करने को आ गई थी, एक तो ए फिल्म की थिकनेस है जो भी चेंज है आपने वो फाइंड करना था, और दूसरा आपने क्या करना था, जो थर्ड राइट रिंग है उसका आपने रेडियस फाइंड करना था। ठीक है, इसी तरीके से आप जाओ तो आप सिक्स राइट रिंग का भी फाइंड कर सकते हो, लाइक जिस पे भी फाइंड करना होगा आप उसकी वैल्यू प्लग इन करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन 4 समझ आएगा, न्यूमेरिकल नंबर 4 इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं, जिसमें कहते हैं अ सो फिल्म हैज एन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एन इज इक्वल टू 1.50, द फिल्म इज व्यूड इन रिफ्लेक्टेड लाइट, पार्ट ए, एट अ स्पॉट वेयर द फिल्म थिकनेस इज 910 नैनोमीटर व्हिच वेवलेंथ आर मिसिंग इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, पार्ट बी, व्हिच वेवलेंथ आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द विजिबल लाइट। देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि सो फिल्म है, तो इसका मतलब क्या है, किसका किसकी बात हो रही है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो कहते हैं कि उस सो फिल्म का ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पे कि जिस पॉइंट पे लाइट, जिस स्पॉट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई है उस घर की थिकनेस इतनी है, और उस रिफ्लेक्टेड लाइट में कुछ वेवलेंथ मिसिंग है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने वो मिसिंग वेवलेंथ फाइंड करनी है और स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डेटा बना लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ पर आपको एन गिवन है, एन जो है बेसिकली क्या है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, और एन की वैल्यू क्या है, 1.50। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे थिकनेस आपको गिवन है जो कि कितनी है, 910 नैनोमीटर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 910 टेन टू द पावर माइनस 9 मीटर। फिर इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है टू फाइंड, क्या चीज़ आपने फाइंड करनी है, आपने पार्ट ए के अंदर आपने मिसिंग वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो इसको मैं लैम्डा बोल देती हूँ। ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिसिंग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एक नहीं होगी, बहुत सारी वेवलेंथ होगी, इसको हम चेक करेंगे कौन कौन सी है। इसी तरीके से आप जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी वो भी आप फाइंड करोगे, जिसको हम लैम्डा प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई है तो उसमें कुछ वेवलेंथ मिसिंग होगी और कुछ जो है वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। अब इसका मतलब क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट और मिसिंग वेवलेंथ का, तो अगर आपको याद हो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में होता क्या था कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आती थी, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन यहाँ पर इस तरीके से फेज चेंज हो जाता था। ठीक है, और फेज चेंज होने की वजह से जो हमारे पास पाथ डिफरेंस की इक्वेशन बनती थी वो कौन सी लगती थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बनती थी। तो जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जब लाइट उस आकर रिफ्लेक्ट कर आई तो उसमें कुछ वेवलेंथ मिसिंग थी, और वो जो मिसिंग वेवलेंथ है वो इस वजह से मिसिंग है क्योंकि वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जो वेवलेंथ मौजूद है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दैट्स व्हाई हम उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर मिसिंग की बात हो रही है तो आपने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगानी है, और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की जा रही है तो वहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने ये दो एक्सप्रेशंस पढ़ी है थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर, कि कंस्ट्रक्टिव हो तो आपने ये यूज़ करना है, डिस्ट्रक्टिव हो तो आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है। तो इन दो को ही हम यूज़ करेंगे और इससे हम तमाम वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। पहले हम किसके लिए काम करते हैं, पार्ट ए के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए में आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपने मिसिंग वेवलेंथ फाइंड करनी है फॉर मिसिंग वेवलेंथ। ठीक है, तो मिसिंग वेवलेंथ के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, तो मिसिंग वेवलेंथ कहता है कौन, यहाँ पे कौन सा केस लग रहा है, बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का लग रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ यहाँ पर, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इस वजह से ही वो वेवलेंथ क्या है, मिसिंग है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, 2 NT इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को लैम्डा पे सेट कर देते हैं, इस वजह से लैम्डा पे सेट कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें वेवलेंथ फाइंड करनी, और यहाँ पे छोटा सा सबस्क्रिप्ट में एम लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एम की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। राइट, तो कैसे बन जाएगी इक्वेशन, यहाँ पे इस तरीके से बनेगी टू डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 NT ओवर एम हो जाएगा। तो ये आपके पास की इक्वेशन नंबर 1 है, और एम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1, 2, 3 एंड देन सो ऑन, इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन 1 के अंदर आप जस्ट एम की वैल्यू प्लग इन करोगे, तो पहले हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू 1 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा 1 बन जाएगा, तो क्या होगा, 2 NT। अब देखो 2 एज इट इज आ जाएगा, एन की जगह पे वैल्यू प्लग इन करेंगे 1.50। ठीक है, और जो टी है वो कितना है आपके पास, 910। ठीक है, 910 टेन टू दी पावर माइनस 9 डिवाइड कर देंगे किससे, एम, एम की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करो और सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास क्या जाएगा, लैम्डा 1 आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, 2730 नैनोमीटर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरीके से लैम्डा 1 फाइंड आउट कर लोगे,
ये आपके पास क्या आ गया, लैम्डा 1 आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आप एम की वैल्यू 2 प्लग इन करोगे और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा 2 मिल जाएगा, जो कि क्या होगा 1365 होगा। ठीक है, 1365 नैनोमीटर। इसी तरीके से एम की वैल्यू आप 3 प्लग इन करोगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा 3 जो कितना होगा 910 नैनोमीटर हो जाएगा। राइट, इसके अलावा यहाँ पे एम की वैल्यू आप 4 प्लग इन कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा 4 जो कि किसकी इक्वल होगा 685, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2.5 नैनोमीटर। लैम्डा एम की वैल्यू यहाँ पे 5 प्लग इन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा 5 मिल जाएगा जो कि कितना होगा 546 नैनोमीटर हो जाएगा। एंड इसी तरीके से एम की वैल्यू 6 प्लग इन करोगे तो उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा 6 विच इज 455 नैनोमीटर। राइट, तो अब देखो यहाँ पे सवाल में कहा गया था कि किसकी बात करें हम, विजिबल लाइट की बात करें, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, विजिबल लाइट। तो यहाँ पर विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इस रेंज के अंदर जो है वो लाए करेगी जो जो वेवलेंथ वो हमारे काम की, और जो जो इसके अंदर काम लाए नहीं करेगी वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो अगर आप देखो यहाँ पर लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, क्या ये 400 से लेकर 700 नैनोमीटर क्या उसकी रेंज में आ रहे हैं? नहीं, ये उसकी रेंज में नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये मिसिंग वेवलेंथ नहीं है क्योंकि ये इस रेंज में लाए नहीं कर रहे हैं जो कि विजिबल लाइट की रेंज है, जो कि क्या है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। राइट, तो अगर यहाँ पर आप देखो लैम्डा 4, लैम्डा 5 और लैम्डा 6, क्या ये इस रेंज के अंदर लाए कर रहे हैं? हाँ, ये तो लाए कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये आपके पास क्या क्या है, आंसर आ गया है। तो पार्ट ए हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, द मिसिंग वेवलेंथ, ठीक है, कौन कौन सी है, मिसिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ आर कौन कौन सी है, लैम्डा 4, अच्छा ये क्या है 68, 182.5 है, तो मैं राउंड ऑफ कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 683 नैनोमीटर, जबकि दूसरी वेवलेंथ क्या है 546 नैनोमीटर, एंड आखिरी वाली कौन सी है 455 नैनोमीटर। अगर आप यहाँ पर बाकी की तमाम वेव, मतलब अगर आप एम इज इक्वल टू 7, 8 एंड सो ऑन करोगे तो वो जो वेवलेंथ आएंगी वो इस रेंज में लाए नहीं करेंगी। तो मैंने इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया बल्कि बस मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये हमें शुरू से ही पता चल गया कि ये हमारे पास इस रेंज में लाए नहीं कर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पार्ट बी के लिए काम करते हैं जिसके अंदर आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम पार्ट बी के लिए काम करेंगे यहाँ पर। तो पार्ट बी के अंदर आपके पास क्या है, फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ है वो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो उसके अंदर क्या होगा, जब स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है तो यहाँ पे किसकी कंडीशन लगेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और थिन फिल्म के केस के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसकी क्या होती है, 2NT इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। राइट, तो अपनी इक्वेशन को हम लैम्डा पर सेट करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2NT डिवाइडेड बाय एम प्लस हाफ। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, मैं इसको लैम्डा मतलब इससे डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, लैम्डा प्राइम लिख देती हूँ और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में एम लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि हमारा जो है वो ये वाली वेवलेंथ और ये वेवलेंथ दोनों डिफरेंशिएट। ठीक है, क्या आपके पास इक्वेशन 2 बन गई, इसमें भी हम सिंपल यही काम करेंगे, तो एम की वैल्यू आप जस्ट 1 प्लग इन करोगे तो क्या बन जाएगा, लैम्डा 1 प्राइम। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करें, स्ट्रॉन्गेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ को। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एन की जगह 1.50 आ जाएगा, टी की जगह आएगा 910, 10 टू दी पावर माइनस 9 और डिवाइड कर देंगे हम किससे, 1 प्लस हाफ। अब आप क्या करो, कैलकुलेटर में प्लग इन करो, सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1820 नैनोमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से एम की वैल्यू जब मैं 2 प्लग इन करूंगी तो क्या आएगा, लैम्डा 2 प्राइम आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 1092 नैनोमीटर के इक्वल होगा। एम इज इक्वल टू 3, उसके ऊपर आ जाएगा लैम्डा 3 प्राइम जो कि किसके इक्वल होगा, 780 नैनोमीटर आ जाएगा। राइट, इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है वो एम इज इक्वल टू 4 प्लग इन करोगे तो क्या होगा, लैम्डा 4 प्राइम हो जाएगा जो कि किसके इक्वल होगा, 606.6 नैनोमीटर। ठीक है, तो पॉइंट भी यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर 606, अच्छा ये राउंड ऑफ हो गया, 600 लैम्डा 4 इज इक्वल टू 607 नैनोमीटर। ठीक है, तो एम की वैल्यू जब मैं 5 प्लग इन करूंगी तो उसका आएगा लैम्डा 5 प्राइम आ जाएगा,
वो किसके इक्वल होगा, 496 नैनोमीटर, राइट। इसी तरह एम इज इक्वल टू 6 प्लग इन करोगे तो उससे लैम्डा 6 प्राइम आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 420 नैनोमीटर होगा, ठीक है। अब अगर अगेन हम यहाँ देखो कौन कौन सा आपके उस वेवलेंथ के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर जो विजिबल लाइट की थी 400 से लेकर 700 नैनोमीटर, तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका आंसर नहीं है। ये जो लैम्डा 4 है, लैम्डा 5 है और लैम्डा 6 है, ये विजिबल की रेंज के अंदर आ रहा है, तो दैट्स मीन कि आपके पास जो आंसर आ गया है वो ये है और ये, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर के द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ है उस विजिबल जो रिफ्लेक्टेड लाइट लाइट है उसके अंदर वो कौन कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ वो है 607 नैनोमीटर, ठीक है, 496 नैनोमीटर, इसके अलावा 420 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये तमाम वेवलेंथ जो है वो उस विजिबल लाइट की रेंज के अंदर है, तो ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो यहाँ पर हमने अभी पार्ट ए को सॉल्व किया है और यहाँ हमने पार्ट बी को सॉल्व कर लिया है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर किस तरीके से आप मिसिंग और स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ को फाइंड करोगे। तो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है।